ग्रह जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज आज महाराजगंज के परसोना डाड़ेपुरा है और जहां पर दंगा हुआ है उसी के जस्ट बगल में हिंदू परिवार भी रहता है और हिंदू परिवार का कहना है कि जो आवास मिलता है उनसे आवास के बदले पैसा मांगा जा रहा है प्रधान के द्वारा और जब पैसा देंगे ये तभी आवास मिलेगा नहीं तो उससे पहले आवास मिलने वाला नहीं है। ऐसी समस्याएं मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश में छापी हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाएंगे यही समस्याएं देखने को मिलती है और फिलहाल ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं और ये स्थिति है यहाँ की महाराजगंज की और बहराइच महाराजगंज का कौन सा गाँव बताए? परसोना डाड़ेपुरा गाँव है। और क्या नाम है आपका पूरा? पंचम। आगे कुछ? आगे वर्मा। पंचम वर्मा, हाँ। और इनका ये शायद कुछ मेहनत करके कमाई करके दीवार घेरे हुए हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा इनके पास घर है बढ़िया। आइए दिखाते हैं करोड़ों के घर को, दिखाते हैं हम आपको कि करोड़ों के घर का हिसाब किताब क्या है। आइए आइए, ये तस्वीर करोड़ों के घर का है और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये कच्चा मकान है, कच्चा मकान पूरा पड़ा हुआ है। इधर भी देखेंगे इधर कच्चा मकान पड़ा हुआ है। देखिए ये लोग कैसे रह रहे हैं और कच्ची, इधर से दिखाइए कच्ची, इनके पास देख सकते हैं कच्ची जितनी भी रखने का सामान है। लोग स्टील का आजकल जमाना हो गया है रख रहे हैं लेकिन इनके पास जो मिट्टी का रख रहे हैं अभी। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम +91 767 856 6060 यहाँ पर है और ये तस्वीरें हैं ग्राम प्रधानों की और उधर की तरफ इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम +91 767 856 6060। पूरा कच्चा मकान है और प्रधान से जब आवास के लिए मांगा जा रहा है, इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम +91 767 8। पैसे का कहानी बता रहे हैं, करीब 30,000 ना? 10,000 पहले मांग रहे थे, बाद में कहा था 20,000 और 30,000। आप भी नहीं घर, ये घर के ही हैं बाबू जी? हमारे घर पे देख लीजिए, बगर वाला नीम तरह। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदू हो या मुसलमान, चाहे सिख हो या ईसाई, फर्क नहीं पड़ता, बस खाएंगे लूट कर कमाई, यही है प्रधानों की कुछ कहानी। ठीक है, और ये मैंने ग्राम गांव आपको बता दिया मुख्यमंत्री जी, जरा इनका भी खबर लीजिए जिस तरीके से आपने कहा कि पत्रकारों से कि भाई जाके खबर लीजिए जगह जगह क्या स्थिति है और क्या समस्या है। तो मैंने समस्या दिखाने का प्रयास किया। ये वो हिंदू परिवार है जिस हिंदू के नाम पर लोग वोट लेते हैं बराबर और आवास की बात करते रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ की तस्वीर और कहाँ गए वो आपके लिए। अब इनकी समस्या को मैंने दिखाया और कोशिश है कि इस पर कार्रवाई होगी और आपको हम ट्वीट करके आगे मेल करके भी दिखाएंगे। आप लोग इस मामले को कार्रवाई कीजिए क्योंकि हर क्षेत्र में लगभग ये लूट घसूट का कार्य शुरू है। कई प्रधान अभी इस समय जेल जा चुके हैं इसी चक्कर में, क्योंकि प्रूफ ही सब कुछ होता है, जब सबूत होता है तभी वार किया जाता है, उससे पहले नहीं। और ये ग्राम प्रधान जी आपसे पैसे लिए मांग रहे थे ना? हाँ, पैसा मांग रहे। पैसा दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए मैंने। नहीं दिए? नहीं दिया तो उसके लिए आवास नहीं मिला। आवास नहीं मिला? हाँ, पैसा नहीं दिया, आवास नहीं मिला। नहीं नहीं मिला। देख लीजिए लिस्ट में 97 पे नंबर है मेरा, लिस्ट में 97 नंबर पे था। हाँ, आवाज नहीं मिला? नहीं मिला। और ये समस्या है यहाँ की, इनका कहना है, और ये हिंदू है, कोई मुस्लिम मुस्लिम नहीं है, हिंदू है। हाँ, हिंदू है कि नहीं? हाँ, हिंदू है। और ये सबसे बड़ी कहानी, आगे की हम तस्वीर आप सभी को दिखा रहे हैं। चलिए हम आगे की तरफ ले चलते हैं।